रविंदर, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ठोस पिंडों की सीजी निकालना बताऊंगा। तो ठोस पिंडों की सीजी निकालने के लिए दो फार्मूले यूज होंगे, फार्मूला नंबर वन और फार्मूला नंबर टू। इससे पिछले वीडियो में हमने आकृतियों के सीजी निकाली थी, तो आकृतियों की सीजी निकालने के लिए फार्मूला सेम था, बस फर्क इतना था यहाँ वॉल्यूम की जगह पे क्षेत्रफल यूज होता था। तो उसी फार्मूले में हम क्षेत्रफल को रिप्लेस कर देंगे आयतन से। जहां जहां क्षेत्रफल था वहां आयतन यूज करेंगे, क्योंकि ठोस वस्तुओं में हम आयतन का यूज करेंगे। तो दो फार्मूले आपको याद रखना है। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ स्पेशल ठोस पिंडों की सीजी पर देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो यहां पर मैंने ठोस पिंड ले रखा है शंकु। शंकु एक ठोस शंकु है जिसकी ऊंचाई h और जिसकी रेडियस r है। तो इस शंकु की जो सीजी होती है वो इसके आधार से h अपॉन 4 पर होती है। आधार AB से CG की दूरी कितनी होती है? H अपॉन 4। और वहीं हमें आधार से जब H अपॉन 4 पता है तो उसके शीर्ष से अगर कहीं निकालने की जरूरत पड़े तो हम निकाल सकते हैं उसके शीर्ष से H माइनस H अपॉन 4, तो हमारे पास 3 अपॉन 4 हो जाएगा। दूसरी आकृति यहां पर मैंने ले ली है बेलन, ठीक है, ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई H और रेडियस R है। रेडियस R है तो यहां पर इस बेलन की, ठोस बेलन की CG कहां होती है? इस पॉइंट पर होती है, ठीक है। तो यहां पर सीजी हम क्या लिखेंगे? अक्ष के केंद्र पर। अक्ष के केंद्र पर मतलब यहां से यहां तक एच अपॉन टू, टोटल यहां से यहां तक एच है तो ये एच अपॉन टू, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आर। तो यहां पर सिंपली अगर मैं सीजी की बात करूं कि सीजी मेरे पास क्या होगी, तो यहां पर सीजी एच अपॉन टू, ठीक है, और दूसरी मेरे पास हो जाएगी आर, ठीक है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो आर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, आर कॉमन एच अपॉन टू। एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास आर है और ये कोऑर्डिनेट मेरे पास वाई है, तो एक्स बार कॉमा वाई बार की ये पोजीशन मुझे पता लग गई, ठीक है। और यहां पर इसी तरह से मैं करूं बात कि अगर मेरे पास शंकु है तो शंकु में एक्स कोऑर्डिनेट उसका होता है ये, यानी यहां से डिस्टेंस हम लेते हैं, यानी इस लाइन से यहां तक आर कॉमा एच अपॉन फोर, ठीक है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है एच अपॉन फोर पर शंकु की सीजी होती है, ठोस शंकु की, और वेलन की एच अपॉन टू पे होती है। अब न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपके सामने है, एक समवृत्तीय ठोस शंकु के आधार को समान आधार की एक समवृत्तीय बेलन से जोड़कर चित्र के अनुसार एक संयुक्त पिंड बनाया गया है। यदि शंकु की ऊंचाई कैपिटल एच तथा समवृत्तीय बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच, तो संयुक्त पिंड का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। जबकि ये एच बराबर दे रखी है और इस एच बराबर ये दे रखी है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक आधार पर एक ये हमारे पास बेलन है और एक शंकु है जिसका सेम बेस है, ठीक है। एक ही आधार पर एक बेलन और एक शंकु को जोड़कर एक संयुक्त आकृति बनाई गई है, ठीक है। ये हमारे पास ठोस संयुक्त पिंड बनाया गया है, ठीक है, आकृति नहीं, संयुक्त पिंड बनाया गया है, ठीक है। एक लंबवृत्तीय यहां पर बेलन है और एक लंबवृत्तीय शंकु है, इन दोनों को जोड़कर एक संयुक्त पिंड बनाया गया है जिसकी हमें सीजी ज्ञात करनी है। तो यहां पर ये डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, ये जो ऊंचाई है यहां पर दी हुई है क्वेश्चन में, और ये भी दे रखी है, ठीक है। तो हम यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम क्या इसमें देखते हैं कि सबसे पहले पिंड में कोई सिमेट्री है या नहीं, सिमेट्री को चेक कर लेते हैं कि पिंड को अगर हम एक्स अक्ष या वाई अक्ष पर काटें तो हमें सिमेट्री मिल पा रही है नहीं। अगर मिल जाती है तो बेटर है, हमारा काम आसान हो जाता है। तो ये संयुक्त आकृति है, इस आकृति में अगर देखें, इस आकृति को अगर मैं वाई अक्ष से ब्रेक कर दूं, वाई अक्ष से ब्रेक कर दूं, तो जस्ट मुझे सेम, यानी इधर मैं इससे फोल्ड कर दूं या इसको इधर फोल्ड कर दूं तो सेम यहां पर पिंड मुझे मिलेगा। पिंड का रिमेनिंग पोर्शन अगर इधर कर दूं या इधर कर दूं तो ये एक सिमेट्री कहलाती है, मिरर इमेज मिलती है, तो हम इसको सिमेट्री बोलते हैं। तो मुझे बाई अक्ष पर सिमेट्री मिल गई, तो इसका मतलब जिस अक्ष पर सिमेट्री होती है उसी अक्ष पर दिए हुए पिंड की सीजी होती है, ठीक है। तो सीजी इसी लाइन पर होगी, तो एक्स बार हमको कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ बाई बार कैलकुलेट करना है। तो बाई बार कैलकुलेट करने के लिए अब हम दूसरा अपने स्टेप पे जाते हैं। दूसरा स्टेप हमारा यहाँ ये होता है कि हम दिए हुए पिंड को स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पिंडों में ब्रेक कर लें,
ऐसे पिंडों में ब्रेक करें जिनकी सीजी हमें डायरेक्ट पता हो। ठीक, तो ये जो पिंड दिया हुआ हमारे पास संयुक्त पिंड है, ये दो पिंडों से मिलकर बना है, ये बेलन और दूसरा शंकु, इन दो पिंडों से मिलकर बना है। तो इन्हीं में हम इसको ब्रेक कर देते हैं। एक मैंने ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें ब्रेक कर दिया। ये मेरे पास क्या है, ये मैं ऐसे भी इसको बना सकता हूं। ठीक है, यहाँ पर तो नीचे वाला मेरे पास एक क्या हो गया, बेलन, और ऊपर वाला एक शंकु हो गया। ठीक है, तो जो बेलन है उसकी सीजी अपने आप में होगी। ठीक है, थर्ड स्टेप पे मैं जंप कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, पहले स्टेप में ये देख लिया कि सिमेट्री किसी अक्ष पर है या नहीं, है तो उसको शो कर दो। तो यहां पर बाई अक्ष पर सिमेट्री है। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा है कि दिए हुए छोटे पिंडों में हम ब्रेक कर लें जिनकी सीजी हमें डायरेक्ट पता हो। तो मैंने यहां पर दो पिंडों में इसको ब्रेक कर लिया, एक बेलन और एक शंकु। ठीक, तीसरा स्टेप हमारा ये कहलाता है कि हम अब यहां पर दो पिंड हैं, उन दोनों पिंडों की अलग अलग सीजी को हम लोकेट कर लें, पॉइंट आउट कर लें। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास ये जो बेलन है, इस बेलन की सीजी यहां होगी, बाई अक्ष पर चलना है मुझे, बाई अक्ष पर सीजी देखना है, तो सीजी मेरे पास यहां होगी, यानी जितनी इसकी जो लंबाई है उसके हाफ पर सीजी होगी। ठीक है, मैंने यहां ब्रेक कर ली। उसके बाद मैंने इस शंकु की अगर सीजी देखूं तो शंकु की सीजी मैंने G2 बता दिया, जो कि मुझे पता है कितनी पर होती है, H/4 पर होती है G2। और जो दिया हुआ सेक्शन है उसकी भी सीजी होगी, लेकिन वाई अक्ष पर होगी, वो वाई अक्ष पे इस पिंड से बाहर भी हो सकती है, इस पिंड के अंदर भी हो सकती है। ये हमको कैलकुलेट करने के बाद ही पता लग पाएगा कि ये दिए हुए संयुक्त पिंड की सीजी कहां पर है। ठीक है, तो आपको पहला स्टेप मैं फिर से रिवाइज कर दूं। यहां पर सबसे पहले दिए हुए पिंड का हम सिमेट्री देखते हैं कि किसी अक्ष पर सिमेट्री है या नहीं। अगर सिमेट्री है तो केवल उसी कोऑर्डिनेट को हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा है दिए हुए संयुक्त पिंड को हम छोटे छोटे पिंडों में ब्रेक कर लेते हैं जिनकी हमें डायरेक्ट सीजी पता हो। ठीक है, तीसरा स्टेप हमारा ये कहलाता है कि जो हमने छोटे छोटे पिंडों में ब्रेक किया उनकी अलग अलग सीजी को पॉइंट आउट करना, यानी लोकेट करना। तो हमने सीजी को पॉइंट आउट कर लिया। ठीक है, और जो होल सेक्शन है उसकी सीजी को कहीं हम बाई अक्ष पर ही दिखाएंगे। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा दें, अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो इस जी को ना दिखाएं अपने डायग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मेरे पास जो फार्मूला होता है, यहां पर मुझे बाई बार निकालना है, तो बाई बार के लिए मेरे पास फार्मूला क्या होगा, B1 बाई वन, ठीक है, प्लस B2 बाई टू अपॉन क्या होगा, B1 प्लस B2, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो B1 यानी जो आकृति नंबर 1 है उसका आयतन की जरूरत पड़ेगी। तो आयतन हमें पता है कि हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेलन VCDE, यानी बेलन ये जो मेरे पास है इस बेलन का आयतन निकाल रहा हूं। तो आयतन हमें सभी को पता है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। ठीक है, पाई ऐसे ही रहने, तो अब इसकी वैल्यू मत लगाओ, हमारे कट जाएगी बाद में। ठीक है, आप जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ठीक है, r² ऐसे ही रहने दिया मैंने, क्योंकि यहां पर मुझे रेडियस नहीं दे रखी है, दोनों की कॉमन रेडियस है। ठीक है, एच यहां पर 1.5 है, ये 1.5 स्मॉल एच यहां पर लंबवृत्तीय यानी समवृत्तीय बेलन की एच दे रखी है, तो मैंने ये लगा दिया। उसके बाद B1 जब निकाला तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब मुझे यहां पर निकालना है Y1। ठीक है, Y1 कोऑर्डिनेट निकालना है, तो Y1 हम कहां निकालेंगे, जब मुझे Y1 निकालना है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि रेफरेंस अक्ष एक्स हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो रेफरेंस अक्ष एक्स अक्ष को मैंने बताया था बिल्कुल बेस पॉइंट पर मान लेते हैं एक्स अक्ष, और यहां मुझे बाई अक्ष की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे मानता हूं। ठीक है, तो ये मैंने रेफरेंस अक्ष मान ली, अब यहां से मैं इसकी पोजीशन निकालूंगा। ठीक है, G1 की पोजीशन, तो G1 मेरे पास यहां पर ये Y1 होगी, टोटल यहां से यहां तक H है, ये H, तो H अपॉन 2। ठीक है, Y1 के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, H अपॉन 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये वैल्यू। ठीक है, तो Y1 आपको निकालना समझ में आया, मैंने बताया था कि कोई लंबवृत्तीय यहां पर बेलन है, तो उस बेलन की अगर ऊंचाई H है तो उसकी सीजी इस पॉइंट से इसके अकॉर्डिंग, इस लाइन वाई अक्ष के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था क्या होती है, एच अपॉन 4, है ना, इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस क्या होती है, एच अपॉन 4 डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक, यही मुझे निकालनी थी। ठीक है,
तो मैंने ये निकाल ली। दूसरा अब मैं आता हूं इस पे शंकु पर, तो मैंने यहां पर शंकु एबीसी शंकु ले लिया, यानी शंकु एवीसी ये शंकु ले लिया। तो शंकु का सबसे पहली वॉल्यूम मुझे लगाना पड़ेगा फार्मूला में, कि जो सेकंड आकृति उसका वॉल्यूम और सेकंड आकृति की, या मेरे पास जो सेकंड मेरे पास क्या है पिंड, उसका वाई टू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी टू निकालने के लिए मतलब शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन सभी को पता है 1/3 πr² h। एच यहाँ पर कैपिटल एच दे रखी है शंकु की, तो मैं कैपिटल एच ही यहाँ पर यूज करूंगा, कैपिटल एच। ठीक है, शंकु की ऊंचाई कैपिटल एच, तो यहाँ पर 1/3 πr² कैपिटल एच, 1/3 π ऐसी रहने दिया, r की वैल्यू नहीं दे रखी है r², h मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 6, तो 6, और इसको मैंने ये इससे इसको काट दिया तो 2 आ गया, तो 2 πr², ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास b2 आ गया, यानी शंकु का आयतन निकाल लिया। अब मुझे शंकु की सीजी की पोजीशन निकालनी है एक्स अक्ष से, ठीक है, नहीं y2 निकालना है मुझे, y2 निकालना है, तो y2 y जब भी y1 y2 y3 कोई भी y निकालना है तो रेफरेंस अक्ष x कहलाती है। तो x अक्ष से हमें यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, तो देखिए यहां से यहां तक का आपको पता है शंकु का, मैंने बताया था ये कितनी होती है h/4 होती है। अगर कोई शंकु है, मैंने आपको बताया था कि शंकु है, शंकु के आधार से उसकी सीजी h/4 पे होती है। ठीक है, तो ये तो मुझे पता कि यहां से यहां तक h/4 होगी, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी h, ठीक है, यहां से यहां तक कितनी है h, ये कैपिटल h/4 हो जाएगा क्योंकि यहां पर कैपिटल h दे रखा है। तो यहां पर टोटल y2 जो है वो ये कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी y2। तो y2 मेरे पास देगी कैसे निकालूंगा, y2 स्मॉल एच, यानी यहां से यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसे जोड़ लेंगे स्मॉल एच प्लस यहां से यहां तक, ठीक है, g2 तक, तो g2 तक लेंगे कितनी लेंगे h/4, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.4 प्लस 6/4 = 3। तो यहां पर ये हमने वैल्यू निकाल ली, अब इन वैल्यू को निकाल के हम सीधे फार्मूले में पुट करेंगे, तो फार्मूला हमें पता है, हम सीधा सीधा इन वैल्यू को फार्मूले में लगा दे रहे हैं। तो ये सभी वैल्यू हमने फार्मूले में लगा दी, फार्मूला हमारे पास वाई बार के लिए v1 y1 + b2 y2 / b1 + b2 ये फार्मूला आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम जो निकल के आया था इसका वॉल्यूम, ठीक है, वो आया था 1.5 πr², मैंने ऐसे लगा दिया, गुणे ये y1 मेरे पास इसका हाफ आया था निकल के, वो मैंने यहाँ लगा दिया, प्लस ये शंकु का आयतन लगाना है, ये 2πr² आया था, गुणे y2 मेरे पास कितनी आई थी 3 निकल कर, तो मैंने 3 लगा दी, नीचे दोनों आयतन के लिए ऐड कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है बेलन का आयतन और ये क्या है शंकु का आयतन। अब यहां से मैंने क्या πr² कॉमन ले लिया, πr² नीचे से भी πr², ऊपर मेरे पास ये इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर ली, प्लस 3 × 6/1.5 और 2 को जोड़ दिया, ठीक है, 2 और 1.5 कितना हो जाएगा 2.5 3/3, 2 और 1.5 3/3, ठीक है, ये इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर वाली ऐड कर ली, यहाँ पर कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर